अगर जोड़ना है तो ले वो जोड़िए ना यार, पीओके जोड़ना है वो जोड़ो ना यार जाके। चीन का जो बॉर्डर है वहाँ पे वो सड़कें बना रहा है, लेकिन देश में लोगों को याद नहीं है। भाई साहब वो सड़कें नहीं बना रहा है, हमारे पुल बन रहे हैं, हमारी सड़कें बन रही है और हम सशक्त हो रहे हैं। आप किस भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं? भारत तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भाई साहब, भारत जोड़ो यात्रा जो है एक अपने में ही एक ढोंग सा लग रहा है। अगर सब कुछ फ्री मिलेगा देश तो बर्बाद हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? फिर तो चाइना बन जाएगा यहीं पे, हैं? फिर तो श्रीलंका बन जाएगा, पाकिस्तान बन जाएगा, पाकिस्तान भुखमरी छा रही है। यदि ये पाकिस्तान बनाओगे क्या हमें? अरे सब कुछ, कोई चीज़ फ्री नहीं मिलनी चाहिए, काम करके मिलना चाहिए, जो कुछ मिलना चाहिए, कोई चीज़ भी फ्री नहीं होनी चाहिए। भाई मोदी आना है, कन्फर्म है, सीधी बात है। हमारा देश कहाँ था 70 साल से लूट के खा गए। जो बढ़िया नेता है या प्रधान बनने के उसके में है वो सिर्फ मोदी है, उससे अलग कोई नहीं है। आज कोई भी ऐसा वो नहीं है जो हमारे देश का बढ़िया राजा बन सके, मोदी से अलग कोई नहीं। बेरोजगारी का इतना बड़ा आलम है कि लोग परेशान हैं। आलम बेरोजगारी का कुछ नहीं है। बेरोजगारी पहले कितनी तनख्वाह थी आप ही बताओ। चलो पहले कहा जो बंदा 2000 रुपए में काम कर रहा, आज उसकी सैलरी है 20,000 रुपए, तो क्या महंगाई बढ़ गई भाई? 20,000 किसकी तनख्वाह है? 20,000 आप बताओ कहाँ से हैं आप? आप हैं कहाँ से? आप हैं कहाँ से? आप यूपी से हैं? आपको मैं आपको 10 साल पहले 4 लाख के मकान थे, आज वो 40 लाख के हैं। वो महंगा वो नहीं दिख रहा लोगों को, सिलेंडर महंगा दिख रहा है वो, उनका उनका रकम उनकी। क्या नाम है भैया? सिलेंडर महंगा नाम है। अरे मेरा नाम कुछ नहीं। कहाँ से? मैं पैदा इसी दिल्ली का हूँ, जाफराबाद से। आपको बढ़िया जगह बताऊँ? चलिए यही बता दो आप, मुझे कितनी सैलरी मिल रही दिल्ली में? बिल्कुल कुछ नहीं मिलती थी, कुछ नहीं मिलती थी। मिनिमम भी दुकान पे 15,000 रुपए सैलरी है भाई साहब, कहीं भी मार्केट में जाके 15,000 सैलरी इसलिए दे रहा है क्योंकि आटा 35 रुपए दे रहा, चीनी 42 रुपए दे रहा, सिलेंडर 1600 रुपए दे रहा। उसके बाद उसकी बढ़ गई, मकान भी तो रेट बढ़ गया। नहीं मकान 4 लाख के आते थे, 40 लाख के हो गए भाई। वो मकान 4 लाख में मिलते थे, 40 लाख में हो गए हैं। वो प्लस तो तुम्हें हुए यार, मतलब महंगाई दोनों तरफ आप कह रहे हैं मैंने जुई है। भाई साहब देखिए, भाई साहब ने ना एक बहुत अच्छी बात कही, जो पहले प्रॉपर्टी जो थी बहुत कम थी, बहुत कम रेट थे, अब ज़्यादा मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? मतलब देश में प्रॉस्पेरिटी आई है, तभी आपकी चीज़ की बड़ी बढ़े हैं ना किसी चीज़ की, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप रोजगारी के मुद्दे को लेके बात करना चाहते हैं तो आप ये देखिए, आप गूगल पे जाइए, ये देखिए लास्ट ईयर हमारी कितनी कारें बिकी हैं। अगर बेरोजगारी सही में है तो इतनी बड़ी, इतने महंगे आइटम क्या बिकेंगे आपके? इनकम इसलिए बढ़ गई है, मैं बताऊँ इनकम बढ़ क्यों गई है। ये सब दिल्ली के हैं, इनसे कहो हरियाणा जाओ, हरियाणा में जो लोग बॉर्डर पे हैं ना उनके घर वालों से पूछो बॉर्डर पे जाना मंजूर करते हो? चल मैं दिखाता हूँ, मैं हूँ साल के लिए, ये 4 साल के लिए जाएंगे, 30 साल, ये 30 साल, ये 30 साल पढ़ाई करेंगे। मैं बताऊँ ये 30 साल पढ़ाई करेंगे, 20 साल तो नहीं करना पड़ेगा। 12वीं पास करते करते आदमी 17-18 साल का हो जाता है, बीए कंप्लीट कर 17 हो जाता है, 17 साल हो गए बीए पास करते ही, 3 साल हो गए बीए में, 20 हो गए। अब उसके बाद आदमी अपने फौज की तैयारी करता है, पढ़ाई 25 हो जाता, उसके बाद ये 4 साल के लिए नौकरी करेंगे, 29 साल उसके बाद ये कहीं डेरी लगा के डरेंगे, क्योंकि उसके बाद ये करेंगे क्या? क्यों बैठेंगे भाई डेरी लगा के? पहली बात तो ये सुन, 4 साल में बूढ़ा नहीं होगा, दूसरी नौकरी करेगा फिर वो? 4 साल में बूढ़ा नहीं हो जाएगा भाई? दे रहा है 4 साल बाद 40 लाख दे रहा है, अगर वो रिटायर कर रहा है गवर्नमेंट, रिटायर करा 40 लाख रुपया दे रहा है, 40 लाख रुपया दे रहा है गवर्नमेंट दे रही है। मैं ये कह रहा हूँ 4 साल करने के बाद पैसा मिलेगा और अपने बीवी बच्चों में रहेगा। बर्फ के अंदर 16 साल में मरना जरूरी है क्या? मरवाओगे उसको? उतना बीवी का पता ना, बच्चों का पता, कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं? कहने का मतलब ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा, ज्यादा रोजगार मिलेगा, बहुत अच्छा है भाई। अब से पहले क्या था आप ही बताओ, एक बंदा 40-60 साल नौकरी करके आ रहा है, ठीक, उसके बाद इतने हमारे जो यंगस्टर हैं वो लाइन में लगे हुए 10-10 साल प्रैक्टिस करने के बाद भी ऐसे ही हैं, और आज सब बढ़िया मौका मिल रहा है और सबको टैग मिल रहा है कि सरकारी जॉब करके आ रहे हैं, तो सबसे बेस्ट है। रात तक कहीं भी आप, कहीं भी प्राइवेट जॉब आप कहीं भी कर सकते हो आसानी से, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या लगता है? बढ़िया है, बीजेपी जब आई है आपको कितना तो जॉब मिला है? आप लोग बोलते हैं कि जॉब नहीं मिल रहा किसी को, धंधा नहीं मिला किसी को, आपको नहीं मिला, आप ये जो कर रहे हो क्यों मिला? इससे पहले किया कभी कांग्रेस के शासन में आप मीडिया में? इसे तो हम 11 साल से हैं सर, 11 साल से मीडिया में है। अगर हमारी पर्सनल बात करेंगे बीजेपी धंधा दे रही है ना, बीजेपी धंधा दे रही है ना करने के लिए,
भाई, जो करेगा तो उसको मिलेगा, जो नहीं करेगा कुछ नहीं मिलेगा। कहाँ से है, कौन सा राज्य? मैं गुजरात से। आपके पड़ोसी राज्य में तो चुनाव आने वाले की तैयारी हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, गुजरात में तो बीजेपी है। बगल बगल राजस्थान, अभी राजस्थान में बीजेपी है। एक पॉइंट वो कह के गए अभी कि बॉर्डर पे चार साल के लिए भेजा जाएगा, लोगों को मौका कहाँ? हमारे पास तरे, एक दिन के लिए भेज दे, हम तैयार है एक दिन में भी। हमें हम तो खुशी है, उल्टा नहीं लेंगे एक दिन का, कोई पैसा नहीं लेंगे। पैसा नहीं चाहिए मेरे को, पैसा नहीं चाहिए, मुझे बॉर्डर भेज दे एक ही बार, एक ही बार भेज दो मेरे को बॉर्डर बस। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, ऐसा है ही नहीं रोजगार यहाँ पे। अच्छा, 2024 में किसको लाएंगे फिर? हैं, केजरीवाल को, केजरीवाल आएगा। ये तो केजरीवाल को प्रधानमंत्री, भाई ने सब कुछ फ्री मिल रहा है ना, करना तो कुछ है नहीं। केजरीवाल आएगा यहाँ पे देखना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि चीन पे, चीन बाद में अगर सब कुछ फ्री मिलेगा देश तो बर्बाद हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? फिर तो चाइना बन जाएगा यहीं पे, है फिर तो श्रीलंका बन जाएगा, पाकिस्तान बन जाएगा, पाकिस्तान भुखमरी छा रही है। यदि ये पाकिस्तान बनाओगे क्या हमें? अरे सब कुछ, कोई चीज़ फ्री नहीं मिलनी चाहिए, काम करके मिलना चाहिए, जो कुछ मिलना चाहिए, कोई चीज़ भी फ्री नहीं होनी चाहिए। भाई मोदी आना है, कन्फर्म है, सीधी बात है। हमारा देश कहाँ था 70 साल से लूट के खा गए। जो बढ़िया नेता है या प्रधान बनने के उसके में है वो सिर्फ मोदी है, उससे अलग कोई नहीं है। आज कोई भी ऐसा वो नहीं है जो हमारे देश का बढ़िया राजा बन सके, मोदी से अलग कोई नहीं। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के भाई साहब, भारत जोड़ो यात्रा जो है एक अपने में ही एक ढोंग सा लग रहा है, ढोंग सा लग रहा है। मोहब्बत बना रहे हैं, नफरत फैल रही है, मोहब्बत का बात नहीं। भाई साहब एक सेकंड, आप किस भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं? भारत तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। भारत जुड़ा कहाँ से हुआ है? कश्मीर से कन्याकुमारी तक जुड़ा हुआ है। धारा 370 हटाने के बाद भारत जुड़ा कि टूटा, बोलो आप बताइए। जुड़ा हुआ है ना, तो ये सब चीज से पहले ही जुड़ा है, अब इसमें और क्या जोड़ना है? कह रहे हैं चीन का जो बॉर्डर है वहाँ पे वो सड़कें बनाना बना रहा है, लेकिन देश में लोगों को याद नहीं आ। भाई साहब वो सड़कें नहीं बना रहा है, हमारे पुल बन रहे हैं, हमारे पुल बन रहे हैं, हमारी सड़कें बन रही है और हम सशक्त हो रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारा टी शर्ट देख रहे हैं, गरीबों का शर्ट नहीं देख रही बीजेपी। नहीं भाई साहब देखिए, टी शर्ट ये एक अलग है, ये मुद्दा अलग है, इसका भारत जोड़ो से कोई लेना देना नहीं है। भाई साहब देखिए, इससे भारत जोड़ो का कुछ लेना देना नहीं है टी शर्ट से, ये किसी व्यक्ति के पहनावे के ऊपर हम कोई तंच नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। आपने पूछा भारत जोड़ो, भारत तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, अब इसमें और क्या जोड़ना है आप मुझे बताइए। अगर जोड़ना है तो ले वो जोड़िए ना यार, पीओके जोड़ना है वो जोड़ो ना यार जाके। भाई जोड़ने के लिए अब एक ही चीज़ बची है, क्या बची है? पीओके जोड़ लो आप। हिंदू मुसलमान 2014 के बाद से हो रहा है, ऐसा नहीं होता था, ऐसा आरोप है। देखिए भाई साहब आरोप नहीं है, नहीं है। आप देखो 2014 से पहले यूपी में क्या हुआ था, हिंदू मुस्लिम की हुई ना, जहाँ जाट और मुसलमान कटके मरे हैं, आज कहाँ है दंगे? आप ही बता दो, चलो कहीं दंगे हैं तो आज कहीं भी नहीं है। आज अगर आपको प्रॉपर चीज देखनी है तो आप बंगाल में जाओ जहाँ हिंदुओं को मारा जा रहा। अरे 10 साल से दिल्ली में देख ले, प्रॉब्लम हो रहा है, दिल्ली में कोई प्रॉब्लम हुआ 10 साल से? अरे यहाँ बम फट गया, आज वहाँ वो हो गया, कौन सा प्रॉब्लम हो रहा है? जब से कांग्रेस गई सब प्रॉब्लम खत्म हो गया, एक भी दंगा नहीं हो रहा। एक बड़ा आरोप ये बता रहे हैं कि जब से गई कांग्रेस, अगर 70 साल रही देश में तो हम रहे ना सर, आज तो पैदा हुए नहीं, तो आप ऐसे आरोप को आप सर इसका देखिए, इसका ना एक बहुत अच्छा और एक लाइव एग्जांपल आपको देते हैं, ठीक। योगी जी हैं हमारे यूपी में, ठीक है भाई साहब, योगी जी हैं, योगी जी ने जब से राज संभाला है कोई दंगा हुआ आप बताइए? कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, जोर से बोलो, हुआ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, नहीं हुआ ना। अब देख लो हमारे साथ पूरी जनता है, कुछ नहीं हुआ और ना होगा, क्यों? वहाँ पे सब मिलके रह रहे हैं, ठीक है। ये मिसाल सबसे, देखो भाई साहब यूपी एक सबसे अच्छी स्टेट है मिसाल के लिए, कि वहाँ पे कोई दंगा नहीं हुआ, इसका मतलब सब भाईचारे से रह रहे हैं। हम किसी पे ब्लेम नहीं कर रहे कि साहब आपने हिंदुत्व किया या वो किया, कुछ नहीं किया, बट कोई दंगा नहीं हुआ, इट मीन्स सब कुछ ठीक है, सुचारू रूप से चल रहे हैं। अब आगे क्या कष्ट है? मोदी मोदी बस मोदी,
कुल मिलाकर के जनता दरबार में इसी तरीके से हम पशो पेश करते हैं और जानकारी लेने की कोशिश करते हैं आखिर में 2024 में कौन आएगा। भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से राहुल गांधी कर रहे हैं, क्या कुछ असर कर पाएगा? या यूं कह लीजिए कि दिल्ली में बैठे अरविंद केजरीवाल क्या देश में शासन कर पाएंगे? या बंगाल से आने वाली ममता बनर्जी और उनसे थोड़ा सा पहले आने वाले नीतीश कुमार अपने आप को देश का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार और यूं कह लीजिए कि जीत दर्ज करा पाएंगे? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा सहयोगी सोमनाथ सिंह के साथ आशीष तिवारी, द फ्रंट न्यूज, चांदनी, दिल्ली। द फ्रंट न्यूज, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।